सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉकेट एंड्स। और आज बहुत जल्दी है, तो आज मैं क्लैन को आप रिकॉर्ड करूँगा। और ये रहे हमारे क्लैन के लीडर लम्मन। लोल तो ये रही हमारी क्लैन को। तो आज मैं दिखाने वाला मुझे इतने सारे क्रैब कैसे मिलते हैं। तो एक क्लैन कोऑप होगी और एक पब्लिक कोऑप, तो दो हर दिन। तो मैं 7.5 डेज में एक क्रैब पा सकता हूँ। तो April 4 तक मुझे एक और क्रैब मिल जाएगा। और कल अप्रैल फूल्स है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। 127 हो भी गए। तो गाइस, ऐसे ही एक दिन 200 तक पहुंच गया था, और फिर क्लैन के लीडर ने रिकॉर्ड तक किया था। तो मैंने अब तक 3 अलग अलग क्लैन ज्वाइन किए हैं, एक रॉक इज रियल, एक ऐसे ही डोम्स, और ये तो नया है। मैं हमेशा रेडी करना भूल जाता हूँ। तो आज मैं क्रैब और टर्माइट दोनों करूँगा रिकॉर्ड एक साथ। देखो 165 हो भी गए, और अभी भी कितने ओके लोड नहीं हो रहे। देखो अभी भी 0 पे, अभी भी लोड हो रहे हैं धीरे धीरे। चलो देखते हैं 200 तक जाता है या नहीं। मेरे पिछले क्लैन में 100 से लेकर 150 तक आते थे, इसमें 200। और पिछले क्लैन में 2 या 3 मिनट मतलब बच जाते थे और तब क्रैब डिफीट होता था, इसमें 5 मिनट में हो जाता। 5 मिनट या 4 मिनट, ये वाला क्लैन बहुत ओपी है, और ओपीनेस के साथ बहुत लैग भी आता है। वह मैं तो AFK करूँगा, मुझे लैग नहीं सहना, और मैं क्लैन के लीडर को अंदर पुश कर दूँगा। जाना अंदर। हाँ ठूस दिया। हाँ 200। ओए सो हे गाइस, और आज का वीडियो का नया टाइटल हो गया 201 एंड्स। लोल नहीं, मैं ये टाइटल नहीं रखने वाला हूँ अब, 201 से 207। हाँ भाई, ये क्या वॉल कैसे फिर से आ गई? वाह, ओह नो, मैंने खुद को खराब के उधर ठूस दिया। क्रैब है कहाँ? वो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वो भाई 221 थे। सो गाइस, इसी के साथ मेरे सारे सोल्जर्स जाते हैं ऐसे ही लैग्स। यहाँ पे एक स्टन नाम का बंदा होता है, वो AFK करता है। वो देखो AFK बैठा रहता है हर एक कोऑप में, और देख रहे हो टर्माइट स्किन मिल भी गई ऐसे करते करते। नम जा। और ये जब लैग ख़त्म हो जाता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना चबाने वाले, वो लैग कॉज करते हैं। जब लैग ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब क्रैब ने अटैक किया और सब भाग रहे हैं खुद की जान के लिए। और ये अगर नाम ऑफ कर दो तो दूसरों के नाम बंद हो जाते हैं, और लैग थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। देखो 1 मिनट में कितनी हेल्थ चली गई। और ये हमारे क्लैन के लीडर मैक्स डैमेजर, 8 एंड्स लेके QC 12, डैमेज ही डैमेज। सो गाइस, अब मैं स्पिट करता रहता हूँ ऐसे।
नहीं, जब 100 के आसपास हो जाएंगे जो हो जाते हैं जब क्रैब फेज 2 में आता है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं मेरी तरह जो हाफ हेल्थ के बाद जिंदा नहीं रह पाते, तो जब 100 हो जाएंगे तब मैं जाऊंगा, वरना मेरे लिए स्पिट करना मुश्किल है। एक बार तो मतलब पहले जब 201 एंट्स हुए थे तब लैग की वजह से हमारा क्लैन कॉप क्रैश हो गया और उस दिन बंदे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके अगले दिन 213 एंट्स हुए और फिर रिकॉर्ड किया, 213 या कुछ थे या 207 पता नहीं, पर तब लमन ने रिकॉर्ड किया, पिछली वाली रिकॉर्डिंग उड़ा दी। और जब हम हार गए उसके बाद तो सिर्फ 180 ज्वाइन किया। हाँ, फॉर्मेट टी वी कैन, आई हैव गुड कनेक्शन, ओनली सम लैग्स। गुड कनेक्शन तो मेरा है, 5 बार्स मेरे रहते हैं। ओह, 162, हाफ 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 प्लीज, हाफ से थोड़ा कम होते हैं। हाँ हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया। अब एंड शेडिंग स्टार्ट हो गई। अभी 162 है, 158 है। फेज 2 डिफिकल्ट है। फेज 2 में वो जो बास छोड़ता रहता है ना, वो किसी भी एंगल में छोड़ सकता है। वो बहुत सारे एफ के कर रहे हैं, लेट्स गो। नहीं, एक ने हमारा साथ छोड़ दिया। वन फिफ्टी सेवन आई गेस। अब मैं जाऊँ गाइज, लेट्स चेक। नहीं, कुछ ज़्यादा ही लगा आज, थोड़ा और ज़्यादा लगे क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, प्रॉब्लम इधर ही है। ये मेरा पीछा करता रहता है, मैंने नोटिस किया है, ये बहुत पीछा करता है मेरा। ये सिर्फ मैं ही हूँ या सबके साथ होता है क्रैब पीछा करता रहता है? ओए, ये ले। हाँ, लैग लैग लैग, देखो 116, 115। एक सौ तेरह फेज 2 में सबसे ज़्यादा एंड्स जाते हैं, मैंने नोटिस किया। अब कितने जाएंगे? मैंने देखा है, मुझे इसकी थियोरी ये लगती है कि जो बंदे क्रैब के सामने आ जाते हैं और मरते नहीं हैं, मुझे उसकी थियोरी ऐसी लगती है कि बंदे किसी और पोजीशन में होते हैं पर हमारी स्क्रीन में क्रैब के सामने आ जाते हैं, इसलिए वो नहीं मरते। पर कभी कभी सामने होते हैं और हमारी स्क्रीन में भी सामने होते हैं तब तो मर जाते हैं। 106, 102, 100 से नीचे ले जाना होगा वरना क्रैब प्रो नहीं है, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। देखो किसी भी एंगल में, मुंह उधर पर उस साइड में फेंक सकता है फेस टू में। यस, वेरी गुड, मैं बेइज्जती कर दूंगा बोल रहा हूँ। देखा मेरा पीछा करता है, अब तो मैं बेइज्जती नहीं कर सकता। 97 हो गए। ये बहुत बार होता है, मतलब समझ लो मैंने 3 को-ऑप किए क्रैब के और 3 में एक बार ऐसा होता है कि ये सामने जाते और रुक जाता है। पता नहीं इसके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे।
4 मिनट ऑलमोस्ट, 3 मिनट 50 सेकंड। नहीं क्रैब्स पे, नहीं, मैं भूल गया था, ये मेरे पीछे पीछे आता है। शर्म नहीं आती, पीछा करता है। प्लीज मर जा मर जा मर जा मर जा, थैंक यू। ये रहा +1 क्रैब। चलो टर्माइट करता। आज मुझे एक्स्ट्रा टोकन्स लेने का टाइम नहीं था। एक बार ऐसा हो गया था, मैंने मुश्किल से उस दिन टर्माइट ज्वाइन किया। मैंने रेडी किए थे 2 क्लैन कोऑप के लिए और सामान भी 2 क्लैन कोऑप के लिए था। तो पता नहीं कैसे मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे पहले एकॉन में ही वो मिल गया, सीट्स जो मुझे चाहिए थे ज्वाइन करने के लिए, और फिर एक ऐड से मुझे वो मिल गया, एक एक्स्ट्रा बैटल टोकन जो मुझे ज्वाइन करने के लिए चाहिए था। और फिर जब मैंने ज्वाइन किया ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, पर मैं उसमें था। तो ऐसा होता रहता है। अब बस ये टर्माइट को अब खोल दो, कृपा हो जाएगी हम पे। क्या लीडर के पास रिसोर्सेज नहीं है? हेलो, हेलो भाई, टर्माइट है, सबको रिसोर्सेज इशू हो रही है, इसलिए आई गेस वी वेट। मैंने सारा वहाँ पर रख लिया, जैसे मैं बंद करता हूँ तभी स्टार्ट होता है। लीडर और किसी दिन स्टार्ट नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे क्लैंस में देखा है मेजर स्टार्ट करते हैं, इस वाले क्लैन में लीडर स्टार्ट करते हैं। सैटरडे संडे 6 बजे होता है भाई। बेचारे लीडर मुझे बोलता है फिश प्लीज रेडी, और ये जो मैंने नाम रखा है ना, ये रैंडम है, जो दिमाग में आया। तो डांस करूंगा, देखो डांस 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 डांस। ओ और मैं ये टर्माइट में तो बिल्कुल, जब तक 100 एंट्स नहीं होते मैं नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि टर्माइट का एक बग होता है कि बंदा चक्कर काट रहे वॉमिट करते हुए पर वॉमिट नहीं दिख रही। कभी कभी वॉमिट हिट होती है पर पता नहीं चलता, दिखी तो नहीं रही, और कभी कभी वॉमिट होती ही नहीं है पर वह एनिमेशन किया जाता है और वॉमिट दिखती भी नहीं है फिर भी। तो वैसे ग्लिच अवॉइड करने के लिए मैं जब तक 100 नहीं होते मैं ऊपर ही रहूँगा। ये फ़ोन समझ लो 4 साल पुराना है, तो अभी भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत कृपा करता है ये फ़ोन। लमन ने ये हैलोवीन वाली स्किन इक्विप किया है। आ रहे तो इसमें 200 आ रहे हैं आज, हमेशा 150 आते हैं, आज अगर 200 आ गए तो मर गया मेरा फ़ोन, मर गया। पहले वो ग्लिच और फिर उतने सारे पार्टिकल्स, क्योंकि क्रैब जब भास छोड़ता है, टर्माइट तो वॉमिट करता है, उसका ज़्यादा टाइम चलता है तो, और प्लेयर्स तब अटैक कर रहे होते हैं जब वो वॉमिट कर रहा होता है, तो बहुत सारा लाया। 191 भाई, अगर टर्माइट में 100 गया ना, लैग से सब मर जाएंगे। लीडर घुस गया, 191, ठीक है। देखा देखा, वॉमिट करते हुए अगर हिट करोगे तो और लैग। नाम ऑफ कर देता हूँ, बस 3 नाम है इधर। ये बहुत सारा डैमेज है, अभी कोई अटैक कर रहा होगा।
नॉन वॉमिट वाला। देखो लैग लैग 155, 147 लैग सबको मरवाता है। वो क्रैब स्किन वाला बंदा कौन है? ओके इसको अंदर डालो। हाँ, मैंने घुसा दिया। और इसको भी अंदर डालो। ओए नोवल है, एफ के है ना, जा 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 घूम के आ। ओए मुझे नहीं घूमना। चलो सोल्जर्स लेके मरा ताकि मैं उसे अंदर पुश भी कर दूं। ओह किसी और ने घुसा दिया भाई। मुझे लगता है 30% तो इधर ही है। एएफ का लैग का खत्म होने का वेट। टोरमेट किंग तो मर गया, क्वीन भी मर जाएगी। क्वीन उतनी हार्ड नहीं है, किंग भी उतना हार्ड नहीं है, टर्माइट पूरा हार्ड नहीं है, बस क्रैब थोड़ा वो हो जाता है। मैं जो रॉक इज़ रियल क्लान में था मैंने उस पर नोटिस किया कि वो कभी कभी हार जाते थे जब मैंने पहली बार रॉक इज़ रियल ज्वाइन किया, और फिर मैंने जब सेकेंड टाइम ज्वाइन किया कुछ भी नहीं, तब तो जीत रहे थे। रॉक इज़ रियल अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे 15,000 एवरी डे देना होगा। हाँ पर वो सैटरडे संडे का इशू नहीं होता, तो मुझे एक दिन पहले क्रैब मिल जाएगा। पर इसमें सैटरडे संडे में नहीं कर सकता, तो एक दिन बाद मिलता है मुझे, तो प्रॉब्लम वही हो जाती है। पर इधर मैं 10 to 15 डोनेट कर सकता हूँ, इसका मतलब लेस स्ट्रेस। वही फोन ऑफ हो गया था आई गेस। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डर ऑफ ना हो जाए। भाग जाओ। हाँ टर्माइट क्वीन तो गई गई, टर्माइट क्वीन तो गई। अरे भाई ये क्या है, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। एक सोल्जर मर गया। गाइस अगर मुझे कोई नया डिवाइस मिला तो मुझ पे रहम हो जाएगी। गाइस मैं एक लैपटॉप वाली गेम खेलने की सोच रहा हूँ, लेट्स बिल्ड अ जू। मज़ेदार लगा। अगर मतलब ये क्रैब होता ना फिर भी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देखो 5 मिनट सिर्फ हुए और ये आधी आधी हेल्थ में, तो क्रैब होता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आधी हेल्थ में तो आ गया और 5 मिनट में बाकी हो जाएगा। पर अभी तक हमने किंग को भी मार दिया और 5 मिनट बचे हुए हैं क्वीन को मारने के लिए, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ओए शर्म कर, इतनी छोटी छोटी चींटियों को मारती है, हिट भी नहीं हुआ मुझे पता है। आप गाइस आप सोच रहे होगे कि मैं सरवाइव कैसे कर रहा हूँ। इधर अगर खड़े रहते हो तो कोई अटैक वो छोड़ के हिट नहीं कर सकता, बस वॉमिट कभी कभी कर देता है पर बाकी कुछ नहीं।
ये आई होप मुझे टर्माइट स्किन मिल जाए, रेजिन देखते देखते मैं बोर हो गया। एंड गाइस आई रीच्ड QC9, ये उतनी कोई खुशी की बात नहीं है। लमन ने बोला था कि QC9 एडवाइस्ड है, पर अब तो मैं हो गया। अब मुझे बस आर्मी साइज बढ़ाना है। मुझे उस साइड वो मुझे दिख रहा था कि वो ऐसे गैस छोड़ रही है, पर फिर भी मैं सामने जाने की बजाय पीछे जा रहा था। मेरा भी क्रैप की तरह साइकोलॉजिकल इशू है। देखो मैं इधर हूँ, अगर मैं सामने जाऊँगा जब वो ऐसे कर रही होगी तो मैं ऑब्वियसली मरूँगा, ये पता होते भी मैं सामने गया, क्वीन के सामने। इतने सारे क्यों मरे? आई गेस एंट एंट क्लंप हो रहे थे तो खुश हो गया। भाई से जल्दी से मारो, 79 एंट्स हाउ किलर। 72 बच गए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज मैंने क्लैन को अप रिकॉर्ड किया। सो गाइज अगली वीडियो मुझे ईस्टर इवेंट पे बनानी है, पर जब वो आएगा तभी ना। और मोनार्क बटरफ्लाई वो मैं खुद कैप्चर कर लूँगा वीडियो में। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।